told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. वेलकम टू आवर चैनल फूडी सैंड गाइस, हम आ चुके हैं अहमदाबाद में सबसे फेमस और सबसे स्पाइसी सैंडविच खाने के लिए वासु काका के पास। बहुत फेमस है, एड्रेस की बात करूँ तो आश्रम रोड है, इनकम टैक्स ऑफिस के जस्ट साथ में। तो चलिए इनका सैंडविच ट्राई करते हैं। और इनका एक स्पेशल वाला सैंडविच है जो नाम में थोड़ा मुश्किल है, तो मैं शॉर्ट में बाहुबली उसे कहूँगा। आइए ट्राई करेंगे, आपको टेस्ट करके बताएंगे और कैसा है वो भी बताएंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। आइए काका। जय जिनेंद्र। काका कब से सैंडविच का आपने स्टार्ट करा? मैं सैंडविच का कर रहा हूँ 84 से। 84 से? हाँ। दिल्ली के काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉगर्स आपके पास आ चुके हैं ना काका? आ चुके, करण दुआ वगैरह सब आ चुके हैं यहाँ पे। सही है। और काका कुछ मुझे ये बताइए कि तीन चार सैंडविच लेने हो तो बेस्ट सैंडविच कौन से रहेंगे आपके? बेस्ट हमारा गार्लिक सैंडविच है। अच्छा। फिर बिना गार्लिक का जैन का है, स्वामीनारायण का है, वो सब है, सब रहता है, सबके लिए सब ऑप्शन है। अच्छा, सबका ऑप्शन मिलेगा यहाँ। सही है। चॉकलेट स्लाइस, ये सब स्लाइस जो ऑप्शन है। ठीक है, सिंगल ब्रेड का रहेगा? सिंगल ब्रेड में रहेगा। ठीक है। पीछे वाला पूरा दो डबल ब्रेड का सैंडविच रहेगा? डबल ब्रेड का सैंडविच है। ठीक है काका। इंग्लिश वाला कोई मेन्यू नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है। तो बेस्ट, खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कहाँ से रखूँगा। नहीं काका, नाम तो आपने इंग्लिश में लिख रखा है। तो आप जैसे ने लिख दिया मेरे। मैं तो 3.5 चौपड़ी पढ़ा लिखा हूँ। पर काका इतने आप ऐसे काम कर रहे हैं कि भाई हम इतने दूर दूर से आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ। वो वाली बात तो है काका, आपके सैंडविच वो देवी माई की कृपा है। जी हाँ। तो भाई काका हमारे लिए खुद बना रहे हैं, वैसे तो कटिंग का काम काका आप संभालते हैं ज्यादा, है ना? तो बटर आप? मैं सब भी बनाता हूँ, आपके लिए भी बनाऊंगा। अच्छा, कस्टमर के लिए भी बनाऊंगा। जी काका, सब हमारे लिए तो सब एक सरखे ही है। जी क्या मॉल कस्टमर से होता है। हाँ जी, चटनी रहेगी। तो काका ये वाला कौन सा बन रहा है? स्पाइसी वाला बन रहा है? स्पाइसी में आपको बताता हूँ, 9 कम स्पाइसी है। ये कम वाला है? ठीक है। हाँ, ये आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए। अच्छा, ये वाला एक्स्ट्रा स्पाइसी है। हाँ ठीक है। ये गार्लिक पेस्ट है। गार्लिक पेस्ट है। तो जैन वाले में आप ये नहीं लगाते? नहीं। तो यहाँ पे अनियन रहेगा। एक चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी है अहमदाबाद में कि यहाँ पे अलग से जैन के लिए बहुत स्पेशल दिया गया है यहाँ पे, कि भाई जैन कम्युनिटी को भी ज़्यादा रहती है काका यहाँ पे, जैन कम्युनिटी है ना? जैन स्वामीनारायण है। हाँ जी, वो आपके साथ में भाई है, वो स्वामीनारायण है। हाँ, वो स्वामीनारायण है। और ये काका वही मसाला जो आपने दिया था टेस्ट करने के लिए? हाँ। अच्छा, ये हमारे वाले। भाई आज तो पानी 2 लीटर तो पीना पड़ेगा इसके बाद। हमारा सबसे अलग चमक रहा है यहाँ पे। क्या ये प्याज, बीट रूट। जैन कम्युनिटी और स्वामीनारायण में कुछ फर्क रहता है क्या? थोड़ा, वो आलू नहीं खाते। आलू नहीं खाते? प्योर जैन होते हैं ना। हाँ। बाकी तो स्वामीनारायण जैन में और कुछ फर्क नहीं रहता। स्वामीनारायण आलू खा सकते हैं? हाँ, स्वामीनारायण आलू खा सकते हैं, पर प्याज और लहसुन वो नहीं, वो भी अवॉइड करते हैं। दोनों अवॉइड करते हैं। हाँ, दोनों। और ये ऊपर आ गया चाट मसाला। ये ऊपर आ गया टमाटर। टमाटर भी भर भर के यार, आप देख सकते हैं, मतलब पूरा टमाटर तो एक सैंडविच में लग रहा है। ठीक है। तो भाई चाट मसाला डाल के काका ने सॉस डाल दिया ऊपर। एक चीज़ मुझे काफ़ी स्पेशल लगी गाइस यहाँ पे, काका आपने बताया कि लोगों को वेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, जितना ब्रेड होगा उतना वेट लोगों को करना पड़ेगा उतने मिनट के हिसाब से। और काका पहले ही बता देते कि भाई इस बारी में नहीं सेकेंड बारी में आएगा। तो यहाँ पर एक वैसा नहीं है कि आप आएंगे पैसे देके ले मेरा सैंडविच है, यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा एक फैमिली की तरह, कि मेरे काका यहाँ पे बना रहे हैं मेरे लिए, और जितना वेट करेंगे उतना ही काका टेस्टी भी लगेगा। हाँ
है ना, उतने प्यार से आप बना रहे हैं, आराम आराम से बनाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है इधर। नहीं, वो सामने सामने काटेंगे और सामने सामने सैंडविच में डलेगा। अच्छा, यहाँ जो दिल्ली वाली काकड़ी है वो थोड़ी डिफरेंट रहती है, गुजराती काकड़ी थोड़ी जो खीरा रहता है थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आप देख सकते हैं लंबाई में ज़्यादा रहता है, थोड़ा पतला है। तो ये यहाँ पे गुजरात में मिलता है काका? हाँ। अच्छा, ठीक है, ये इसके ऊपर जॉइंट होएगा। ठीक है, और ये दूसरा पीस वेजिटेबल मसाला बोलते हैं, वेजिटेबल मसाला है। ठीक है, आलू वगैरह का मैश्ड वगैरह है ना आपका? ठीक है, ये रहेगा। और सेकंड ब्रेड का पीस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे वाला जो कि पूरा ग्रीन रहेगा दोनों में। तो अपने वाला सैंडविच यहाँ बन चुका है, इस पर टॉपिंग होगा अभी। ये सॉस टॉपिंग्स, ये आपके ऊपर भी सॉस टॉपिंग आएगा, अब आएगा पीनट, पीनट मसाला, पीनट टॉपिंग्स, ये सेव रहेगा, ये नमकीन सेव, नमकीन सेव, पूरा गार्लिक, पूरा गार्लिक, पूरा। अच्छा, साबुत दिखेगा। अरे तेरी, ऐसे दिया लाओ तो। ओ भाई, ये तो ये सब कस्टमर को मौज करवाने का है। अच्छा, हाँ। जो वासु काका की पहचान है ना, हाँ। वो गार्लिक पहचान है। अच्छा, जो नाम सुन के आते है वासु काका, हाँ हाँ। जो गार्लिक का नाम सुन के आते है, के सैंडविच किसकी, तो के वासु काका की। अच्छा, ये पहचान अलग देता है, लुक ही अलग देता है। तो भाई, अपना आ चुका है वासु काका का स्पेशल सैंडविच, ये लहसुन इसकी पहचान है। 60 रुपीज़ का सैंडविच है गाइस, पर इसका रेट अभी थोड़ा बढ़ने वाला है क्योंकि अभी चीज़ें नेक्स्ट तारीख से थोड़ी महंगी होने वाली है। 70 रुपीज़ का अगर आप एक महीने बाद आते हैं तो आपको पड़ जाएगा, बट उसके हिसाब से मैं कहूँगी तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे रेट के मामले में। आइए अब टेस्ट करते हैं, और ये थोड़ा स्पाइसी रहेगा, चिंता मत करिए, मैं कोई वो नहीं करूँगा कि साइड से उठा लिया, मैं बीच वाला उठाऊँगा बिल्कुल पीस, है ना। ये देखिए एक बारी भाई, ये पानी की जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने मसाला टेस्ट करा था अभी। उठाओ उठाओ, आप भी बीच वाला ही। चलो ट्राई करो फिर, आइए भाई ट्राई करते हैं। अभी पता चलेगा, अभी नहीं चल रहा है, रुक जाओ। एक बार आंसू दिखाओ इसके। आई फूल दिखा है। आँख कान मुंह सब से धुआं निकल रहा है। एक बार आंख तो दिखाओ, आंख तो दिखाओ। भाई की हालत खराब हो रही है। मैं भी नॉर्मल हूँ। अभी देखते हैं, मुझे लग रहा है कि देर में उठने वाली मिर्च है, अभी पता चलेगा। एक ककड़ी लेने गया साइड में। हालत खराब हो जाती भाई, बहुत तीखा है इसका मसाला, सो स्पाइसी, सो स्पाइसी। इसके बाद कुछ ठंडा पी लीजिए, क्या वो शरीर को ठंडा कम मिले, सबसे बढ़िया रहेगा कोल्ड ड्रिंक पी लो भाई, और तगड़ी मिर्च उठ जाएगी। हमारा सैंडविच है ना, वो स्पेशल वासु काका ने बनाया है, इसलिए उसके हाथ का बना सैंडविच सो स्पाइसी रहता है, फुल दिखा रहता है। जब तक खाते हैं तब तक पता नहीं चलता ना। हाँ, फिर पता चलेगा। 2 मिनट रुकना पड़ेगा, कान में से मिर्च उठेगी। सो गाइस, यहाँ पे बनने वाला है अपना बाहुबली सैंडविच, इसको बोलते थीन वन चीज मेयोनीज वेजिटेबल मसाला। अच्छा, सर इतना मुश्किल नाम है आपने बताया, इससे बढ़िया बाहुबली दिखने में जो आपने फोटो दिखाई लग ही रहा था वो। ये आ गया इनका आलू का मसाला, इसमें नया खाली जो पोटेटो वेफर आता है ना, हाँ हाँ, वो इसमें ऐड किया था। अच्छा, एक्स्ट्रा वेजीज भी इसमें डलेगी गाइस। पहले बटर मारा मैंने, हाँ जी, फिर ग्रीन चटनी आया, उसके बाद गार्लिक चटनी आया, जो हमारा चंदा है ज़्यादा वही, हाँ जी, ये ऊपर से भी चाट मसाला डाला था, और ये आगे टमाटर, पूरा टमाटर जो रहेगा आपके सैंडविच में रहेगा। देख सकते हैं, शायद आपने इतना भरा हुआ टमाटर सैंडविच आपने ना ट्राई कराओ, क्योंकि पूरा टमाटर एक आपका ही है। ये केचप, हाँ, चाट मसाला, चाट मसाला,
मेयोनीज। ये 1000 है। ओके। इसको जीरा गार्लिक बोलते हैं। ठीक है। जो जीरा राइस होता है ना, हाँ। ऐसे जीरा गार्लिक हमने बनाया है। अच्छा। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल है भाई। आ गया। हाँ। उसके ऊपर शीशे बटर। ठीक है। कटिंग हो गया, सैंडविच अपना तैयार हो गया। हो गया। ठीक है। अभी तो बाकी है ऊपर। अभी बाकी है ऊपर का, अंदर का तैयार हो गया। अंदर का तैयार हो गया। इसमें भी गार्लिक जाएगा? अच्छा। आप चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, तीखा नहीं है। अच्छा। केचप, चीज, सेव, तो भैया हमारा दूसरा सैंडविच आ चुका है। और सर आप नाम बताइए एक बारी। चलो ठीक है, जो आपने बोला वही इसका नाम है। वेजिटेबल चीज मेयोनीज मसाला सैंडविच। मसाला। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आओ भाई शुरुआत करते हैं। सब कुछ डल गया इसके अंदर, नियली जो जो था दुकान में सब डल गया। बाइट देख रहे हैं आप एक बार, कितनी बड़ी मुँह खोलना पड़ेगा अभी। हर चीज़ का स्वाद आ रहा है। हाँ। बाइट बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी। हाँ। और दो तीन टिश्यूज आपको चाहिए। तो ये सैंडविच जो है फुली लोडेड रहेगा। जैसे हमने जो पिछला ट्राई करा वो स्पाइसी वाला था, हालांकि ज़्यादातर वही लेते हैं लेकिन नॉर्मल में लेते हैं, हमने एक्स्ट्रा स्पाइसी कर दिया था उसको। ये वाला क्या रहेगा, वेजिटेबल से फुली लोडेड रहेगा, इसमें सब कुछ डलेगा। काका यहाँ पे हर सैंडविच के ऊपर आप ये ज़रूर डालते हैं जो ऊपर गार्लिक रहता है? हाँ। सारे सैंडविच में 90% सैंडविच में ठीक है गार्लिक रहता है। यहाँ पे बस जैन वाले में नहीं रहेगा गार्लिक। जैन में स्वामीनारायण में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ठीक है। तो गार्लिक वाला मतलब एक ये मान लीजिए कि काका का प्यार है यहाँ पे जो सिर्फ आपको यही मिलने वाला है। आपने मेरे को बोला फुल तीखा बनाओ तो मैंने आपको फुल तीखा बना के दिया। नहीं सर मैं तो थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ बट थोड़ा ज़्यादा ही पड़ गया, तो जो कम मिर्च खाने वाले उस सैंडविच से थोड़ा दूर ही रहे वरना फिर दिक्कत हो सकती है। और उसका सॉल्यूशन ये रहेगा कि कुल्ला करके उसको निकालने का, तो आपको आसानी रहेगी। बाकी आए कभी ट्राई करें वासु काका की सैंडविच, कमाल की सैंडविच है। ये गार्लिक वाली जो झप्पी है ना वो यही मिलेगी आपको। बाकी थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो लाइक करके जाए।